जंगल की एक सुबह सभी चिड़ियाँ और उसके बच्चे उठ चुके थे, मगर टूनी चिड़ियाँ बचपन से ही बहुत आलसी थी। वो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी, घर का कोई काम नहीं करती, ना ही स्कूल जाती, जिस कारण उसके माँ बाप बहुत चिंतित रहते थे। और एक दिन, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, कितना भी समझाऊं समझती ही नहीं। बिरादरी की सारी चिड़ियाँ हंसती हैं मुझ पे, कहती हैं कि इसकी एक ही बेटी है, वो भी आलसी और निकम्मी। चिंता मत करो भाग्यवान, जो नसीब में था वो हुआ, और आगे भी जो नसीब में होगा वही होगा। चिंता कैसे ना करूं जी, बड़ी हो गई है शादी के लायक, ऐसे में कौन करेगा इससे शादी, और अगर कर भी ले तो वहाँ जाकर भी ये सोई रहेगी, लड़के को सब कुछ खुद ही करना होगा। ज्यादा मत सोचो, शादी होने दो, क्या पता सुधर जाए। देखते ही देखते समय बीत गया और टूनी की शादी बगल वाले जंगल के होनहार मिट्टू से कर दी जाती है। और विदा होते समय माँ उससे कहती है, जा खूब सुखी रहना, अपने पति की सेवा करना, मन लगाकर घर का काम करना, पति को किसी भी चीज की दिक्कत ना होने पाए, उस जंगल के जानवर ये ना बोले कि टूनी के माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। टूनी के माँ बाप ने उसे नम आँखों से विदा कर दिया, ये सोचकर कि ससुराल जाकर वो सुधर जाएगी, मगर टूनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अजी सुनिए, क्या आपके यहाँ नौकर नहीं है, घर के काम कौन करेगा? अरे हम और तुम दो ही लोग तो हैं, नौकर की जरूरत ही क्या है, मिल बांट कर कर लेंगे, काम ही कितना होगा। लगता है यहाँ का सारा काम मुझे ही करना होगा, अरे ये मैं कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ सोचना होगा। दो तीन दिन तो किसी तरह उसने एकाद काम किए, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में एक कुटिल प्लान ने जन्म ले लिया था। और एक दिन उसका पति जैसे ही घर आया, माँ मर गई रे, हे भगवान क्या करूँ इस दर्द का। अरे क्या हुआ, सुबह तो ठीक थी। सुबह ठीक थी तो क्या अभी मैं बीमार नहीं हो सकती, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं अब कोई भी काम नहीं कर पाऊंगी। मिट्टू तोता बहुत सीधा था, अपने ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी लेकर वो घर के सारे काम करता, झाड़ू लगाता, जंगल से खाना खोज कर लाता, यहाँ तक कि टूनी के खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखता था, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मगर टूनी तो ठीक ना होने का नाटक कर रही थी। जब वो ठीक नहीं हुई तो मिट्टू उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए पूछा, मगर टूनी ने मना कर दिया। और फिर कुछ दिन के बाद वो किसी काम से डॉक्टर कपोत की क्लिनिक के पास से गुजर रहा था, तभी उसने खिड़की से एक मरीज की आवाज़ सुनी। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी के पैर में कल से बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई दवाई दीजिए। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, आप उसे गन्ने के रस में पुदीना मिलाकर पिलाइए, वह ठीक हो जाएगी। यही बीमारी तो टूनी को भी है, मतलब उसे भी मुझे यही दवाई देनी पड़ेगी, तभी जाके वो ठीक होगी। इतना सोचकर वो वहाँ से उड़ चला। उसने बाजार से गन्ना खरीद कर लाया और उसके रस में पुदीना मिलाकर टूनी को पिलाया। ठीक है टूनी, अब तुम आराम करो, मैं जंगल से जाकर कुछ सब्जियां और फल लेके आता हूँ, तब तक तुम्हारे पैर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है, लगता है मुझे इसे पीने के लिए रोज रोज ये नाटक करना होगा, तभी मुझे ये इतना अच्छा शरबत मिलेगा। मिट्टू को बाजार से आते आते रात हो जाती है, वो फल और सब्जियां लेकर घर आता है और सबसे पहले जाकर टूनी से पूछता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है टूनी? नहीं, मेरे पैर में आज फिर से दर्द हो रहा है, मुझे फिर से आज कोई शरबत पिलाओ ना। ये कहानी अब रोज की हो चुकी थी, टूनी हमेशा झूठ बोलती रही और मिट्टू उसे गन्ने का रस ला ला के पिलाता रहा। और आखिरकार जब बहुत दिन बीत गए और फिर भी टूनी का दर्द ठीक नहीं हुआ, तो फिर एक दिन, क्या करूं, टूनी का तो दर्द ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगता है फिर से मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। और इतना सोचकर मिट्टू फिर से हॉस्पिटल की तरफ उड़ जाता है, और उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वही मरीज फिर से डॉक्टर के सामने बैठा होता है और ये फिर से उसी खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। डॉक्टर साहब, गन्ने का रस देने के बाद उसके पैर में और दर्द रहने लगा है, क्या करूं? मुझे माफ करें, मैंने नीम के बदले गन्ना बोल दिया था, आपको नीम के रस में करेला डालकर उसको दिन में 3 बार पिलाना है, 2 दिन में असर होगा।
इतना सुनते ही मिट्ठू फिर से उड़ चला था और इस बार वो अपने मुंह में नीम का पत्ता और करेला लेकर घर आया। उसने नीम के पत्ते और करेले का जूस बनाया और वो गिलास लेकर टोनी के पास पहुंचा। लो टोनी, मैं फिर से दवा लेकर आया हूं। डॉक्टर ने बोला है कि ये दवा पीने के बाद तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। टोनी ने सोचा कि मिट्ठू फिर से उसके लिए गन्ने का रस लेकर आया है। उसने लिया और झटपट पी गई। उसका मुंह मारे कड़वापन के भर गया था, लेकिन वो मन महसूस कर रह गई, कुछ भी नहीं बोली। दोपहर को फिर से मिट्ठू ने उसे दवा बनाकर देने गया। चलो टोनी, दवा पी लो, तुम्हें दिन में 3 बार पीना है लगातार। टोनी ने सोचा कि सुबह गलती से उसे वे गन्ने की जगह कड़वा जूस पिला दिए थे और अभी जो है वो गन्ने का ही होगा, मगर उसने जैसे ही मुंह में लगाया, ये जूस तो पहले से भी ज्यादा कड़वा था और इस बार इसके सब्र का बांध टूट गया और ये बहुत जोर से चिल्लाई और बोली, थू थू, ये क्या लेकर आए हो आप? ये तो बहुत कड़वा है, मुझे नहीं पीना ये दवा। यही तो दवा है, डॉक्टर ने दोबारा बना के दिया है 3 टाइम खाने के लिए। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तुम्हें ये दवा 3 टाइम खाना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम ठीक होगी। टोनी बेचारी बुरी तरह से फंस चुकी थी। अगर वो ठीक नहीं होती तो उसे करेले का जूस रोज पीना पड़ता और अंत में उसे ये नाटक को ख़त्म करने के अलावा और कुछ नहीं सूझा और उसी रात वो ठीक हो गई। अगले दिन जब टोनी, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब मुझे दवा की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। अब मैं सारे काम खुद से कर लिया करूँगी। और उस दिन के बाद फिर कभी टोनी ने आलस नहीं किया।